सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो सरोज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे ब्लेंडर के अंदर एक प्रॉब्लम के बारे में। तो देखिए यार, जैसे हम ब्लेंडर खोलेंगे तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, देखा जाएगा अनसपोर्टेड ग्राफिक कार्ड और ड्राइवर। यहाँ पे देखिए कुछ मैसेज भी यहाँ पे नीचे की तरफ लिखा हुआ है, तो हम इसको कैसे फिक्स करेंगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको नहीं पता है ब्लेंडर क्या है तो सबसे पहले हम जाने कि ब्लेंडर क्या है। देखिए आप जो है अपने ब्राउज़र पे लिंक ओपन कर लीजिए, आप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ब्लेंडर क्या है। देखिए ब्लेंडर एक फ्री एंड ओपन सोर्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, देखिए ब्लेंडर इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स 3D ग्राफिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। देखिए ये बेसिकली एनिमेशन और कार्टून वीडियोज़ के लिए काम में आते हैं। एनिमेशन जितने भी गेम्स वगैरह में आप एनिमेशन देखते हो, फिल्म वगैरह जितने भी आप एनिमेशन देखते हो, वो सारा कुछ जो है आपसे ब्लेंडर से आप बना सकते हो। आप इसका कुछ डेमो फाइल्स वगैरह देख सकते हैं। तो अगर आप जो है एनिमेशन करना चाहते हैं, एक अच्छा एनिमेटर बनना चाहते हो, तो आपको ब्लेंडर के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ से आप जो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है, आपको सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैक ओएस, लिनक्स, देखिए विंडोज़ के लिए, अब जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप यहां से डाउनलोड कर लेना। मैंने तो वैसे पहले ही इसको इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर में रखा हुआ है, तो देखिए यहां पे मैंने आपको दिखा दिया। देखिए मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है अपने कंप्यूटर में और मैंने इसको इंस्टॉल भी कर रखा है। तो देखिए आप जो है इस फाइल पर डबल क्लिक कर दीजिए। बहुत सिंपल स्टेप है, जैसे हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं वैसे आप जो है इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए आप इस पर डबल क्लिक करके और यहाँ पर देखिए आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाना है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आप कर दीजिए। देखिए मैंने इसको इंस्टॉल करके रखा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा, आप जो इंस्टॉल इसको कर लेना। और जैसे आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, अगर नहीं आता है तो अच्छी बात है, अगर आता है तो कैसे इसको फिक्स करते आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर ब्लेंडर खोलूँगा। देखिए ब्लेंडर जैसे खोला, यहाँ पे देखिए अनसपोर्टेड ग्राफिक्स कार्ड देखिए और ड्राइवर के यहाँ पे इशू आ रहा है, तो हम इसको कैसे फिक्स करेंगे यही सब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं जो है अपने मॉनिटर के यहाँ पे ग्राफिक कार्ड यहाँ पे चेक करता हूँ। तो राइट क्लिक किया, देखिए यहाँ पे डिस्प्ले पे सेटिंग में जाने के बाद और सेटिंग में आप चले जाइए और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिखा रहा है इंटेल आर SD ग्राफिक 3000। देखिए मेरे में तो ये है, तो फिर भी मेरे में ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो कैसे हम इसको फिक्स करें। देखिए सबसे पहले आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन पार्ट में जाइए, वहाँ पे आपके आपको एक लिंक मिलेगा, ये होगा, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ इसे एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। राइट क्लिक कीजिए, एक्सट्रैक्ट हेयर कीजिए। मैंने इसको जो है विनरार के थ्रू इसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया। तो देखिए जैसे आप एक्सट्रैक्ट करके तो आपके सामने एक ऐसा फाइल आ जाएगा। देखिए तो आपको क्या करना है, इस फाइल को पहले यहाँ से कॉपी कर लेना है और ब्लेंडर पर राइट क्लिक करके देखिए ओपन फाइल लोकेशन पे जाना है और इसको जो है आपको यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देना है। देखिए मैं यहाँ पे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद ये हमारा जो फाइल यहाँ पे देख सकते हैं आप पेस्ट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे वो इशू आ रहा है या फिर नहीं, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। आप ब्लेंडर पर डबल क्लिक करिए, तो देखिए वो इशू अभी नहीं आ रहा। ऑल राइट, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो ब्लेंडर है यहाँ पे खुल चुका है और वो जो प्रॉब्लम है वह दूर हो चुकी है। तो अगर आपके भी कंप्यूटर में आते हैं ऐसे प्रॉब्लम, तो आप जो है ये स्टेप फॉलो करके बड़े आराम से जो है उस प्रॉब्लम का फिक्स कर सकते हैं और यहां से जो है आप अपने एनिमेशन वगैरह बना सकते हैं इस ब्लेंडर में। तो बस यार यही था आज का हमारा ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे चैनल के जो है अबाउट सेक्शन में जाने के बाद आपको वहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम के लिंक मिल जाएगा, तो आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली चैट कर सकते हैं और मेरे से अगर आपको कोई सवाल है तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं। और आपका वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलता हूँ मैं आपको एक और नए एक्साइटिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।